माइकल जैक्सन का रंग बचपन में काला था, तो आखिर बाद में ऐसा क्या हुआ जो उन्हें अपना स्किन कलर सफेद करना पड़ गया? आखिर मुर्गी ने ऐसा अंडा कैसे दे दिया? और इन दो लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि इनकी कब्र एक रनवे के बीचों बीच बनवा दी गई और रोजाना इनके ऊपर से कई प्लेन निकल के जाते हैं? ऐसे ही कई चौंका देने वाले फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। नंबर 6। पहली नजर में ये देखने में ऐसा लगता है जैसे रनवे की मरम्मत की गई हो, पर असलियत में ये एक परिवार के दो सदस्यों की कब्र है। दुनिया में किसी एयरपोर्ट के रनवे में बनने वाली ये एकमात्र कब्र है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान आर्मी के लिए जॉर्जिया एयरपोर्ट खोला गया, और जब इस एयरपोर्ट के रनवे को बड़ा करने की जरूरत पड़ी तो डॉटसन फैमिली की ज्यादातर प्रॉपर्टी एयरपोर्ट के हिस्से में आ गई। ये जमीन रिचर्ड और कैथरीन डॉटसन की थी। इस प्रॉपर्टी में ही इन दोनों लोगों की कब्र बनी हुई थी। अमेरिका में बिना परिवार की इजाजत के उनके किसी सदस्य की कब्र को कहीं नहीं ले जा सकते, और जब डॉटसन फैमिली से कब्र हटाने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। इसीलिए बिना इनकी कब्र को हटाए ही यहाँ पर रनवे बना दिया गया। नंबर 5। ये जो अंडा आप देख रहे हैं ये किसी दूसरे जानवर का नहीं बल्कि मुर्गी का ही है। मुर्गी भी एक जिंदा जानवर है, और कभी कभी इंसानों की तरह उनकी जिंदगी में भी दिक्कतें आ जाती हैं। और मुर्गी ऐसा अंडा जब देती है जब वो बीमार होती है या स्ट्रेस में है। ये अंडा बिना किसी व्हाइट शेल का है। मुर्गी के अंदर पूरा अंडा बनने के बाद सबसे आखिरी स्टेप में अंडे में व्हाइट शेल बनती है, लेकिन स्ट्रेस और कुछ दूसरे कारणों की वजह से अंडे के बाहर वाली व्हाइट शेल बन ही नहीं पाती। लेकिन ऐसे अंडों में कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें नॉर्मल व्हाइट अंडों की तरह ही खाया जा सकता है। नंबर 4। जापान में जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उससे पहले उस गाड़ी को खरीदते समय सबूत के तौर पर अपनी पार्किंग स्पेस को सबसे पहले दिखाना होता है और साबित करना पड़ता है कि वो आपका ही पार्किंग स्पेस है, जिसके बाद ही आप गाड़ी खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जाकर पार्किंग के डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, और फिर पुलिस आपको पार्किंग सर्टिफिकेट देगी जिसे कार कंपनी को दिखाना पड़ेगा, और तभी जाकर आप कंपनी से एक नई कार खरीद सकते हैं। क्योंकि जापान में इंडिया की तरह सड़क पर कहीं भी पार्किंग नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको भारी जुर्माना भरना पड़ता है। नंबर 3। ओरियो कंपनी ने फ्यूचर जनरेशन के लिए ओरियो बचाने के लिए एक पुलिस एस्टेरॉयड प्रूफ बंकर बना दिया है, जिससे अगर पृथ्वी पर कोई एस्टेरॉयड गिर जाने से जैसी आपदा आ जाए तो इनके बिस्किट्स सुरक्षित बने रहेंगे और कोई नेक्स्ट जनरेशन इनके बिस्किट के बारे में जान पाएगा। ओरियो ने इस बंकर में अपने बिस्किट्स की रेसिपी को सेफली लिखकर रख दिया है। इतना ही नहीं, बंकर के अंदर ओरियो के कई टन बिस्किट्स के पैकेट को मॉयलर में लपेट कर इस बंकर में रख दिए गए हैं, जो -80 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को झेल सकते हैं। इन पैकेट्स को इतनी सेफली पैक करके रखा गया है कि इनके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती, और न ही नमी और हवा इन पैकेट्स के अंदर जा सकती है, जिससे सालों तक ये ओरियो बिस्किट्स खाने लायक बने रहेंगे। नंबर 2। जापान हमेशा अजीबोगरीब चीजों के लिए जाना जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है शुकात्सु फेस्टा। इस त्योहार में शामिल होने वाले लोग यहाँ जो करने आते हैं उसे सुनकर आंखें फटी की फटी रह सकती हैं। शुकात्सु का जापानी अर्थ मौत की तैयारी है। इस त्योहार में शामिल होने वाले लोग यहाँ अपनी मौत की तैयारी करते हैं। कई लोगों की चाहत होती है कि उनकी मौत सम्मानजनक, इसीलिए यहाँ आने वाले लोग अपनी मर्जी से अपने लिए कब्र चुनते हैं। लोग अपनी कब्र चुनने से पहले अपने साइज के अनुसार ताबूत को चुनते हैं, और वो इसमें लेट के देखते हैं कि वो ताबूत उनके साइज के लिए फिट है या नहीं, और फिर वे कब्र में लेट के देखते हैं कि मरने के बाद वो ताबूत में कैसे दिखेंगे, और मरने से पहले ही मर जाने का एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 1। माइकल जैक्सन एक ब्लैक अफ्रीकन इंसान थे। गोरा दिखने के लिए उन्होंने कई प्लास्टिक सर्जरीज करवाई। जैक्सन न सिर्फ अपने चेहरे का रंग बदलवाया बल्कि कई बार ऑपरेशन से अपने चेहरे का शेप भी बदल लिया। वो हर वक्त मेकअप किए रहते थे, और जैक्सन का ज्यादातर वक्त बाथरूम में मेकअप लगाने और उतारने में ही बीतता था। माइकल जैक्सन की बीवी तक ने उन्हें कभी बिना मेकअप के नहीं देखा। वो सोते हुए भी पूरे मेकअप के साथ सोते थे। सुबह उठने पर तकिए में मेकअप के रंग दिखते थे, और सुबह घर में किसी और के उठने से पहले ही वो फिर मेकअप कर लेते थे। माइकल जैक्सन के बेहद करीबी डॉक्टर कॉनार्ड ने बताया कि जैक्सन ने अपने चेहरे का रंग गोरा इसलिए कराया ताकि वो अपने बचपन की बुरी यादों से छुटकारा पा सके, क्योंकि माइकल के पिता माइकल के काले दिखने की वजह से उनको अक्सर प्रताड़ित किया करते थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।